महिला बिजनेस वुमन का वीडियो वायरल, कहा मैं नोएडा पुलिस की वजह से पलायन को मजबूर, योगी आदित्यनाथ से मांग रही भीख। कार पार्किंग सिस्टम बनाती हूँ। 2 साल के रिसर्च के बाद इस प्रोजेक्ट को मैंने जब लगाने के लिए सोचा तो मैंने नोएडा को चुना। मैंने नोएडा को इसलिए चुना क्योंकि मैंने मुख्यमंत्री जी के इनिशिएटिव जो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए हैं, उनके महिला सुरक्षा के इनिशिएटिव्स को देखते हुए मैंने नोएडा को चुना। नोएडा में इतनी सारी आईपीएस ऑफिसर्स हैं जो महिलाएं हैं, उसको देखकर मुझे सिक्योरिटी मिली और मुझे लगा कि ये मेरे लिए बेस्ट प्लेस है। मैं यहां पे अपनी फैक्ट्री डाल सकती हूं, मुझे परेशानी नहीं आएगी। लेकिन ये हैरानी का लेवल ये है कि मैं यहाँ पे पुलिस के द्वारा टॉर्चर हो रही हूँ। यहाँ पुलिस मुझे तंग कर रही है, गलत केसेस लगाकर जेल में डालना, फैक्ट्री पे कब्जा करवाना, कोर्ट के स्टे ऑर्डर को नहीं मानना, ये पुलिस कर रही है यहाँ पे। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, मैं किससे हेल्प मांगूं। मेरी सीएम योगी जी से बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि सर मेरी प्रॉब्लम को देखें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं सुन रहा है और पुलिस मुझे तंग कर रही है, मुझे पुलिस के थ्रू परेशान किया जा रहा है। इसके मेरे पास 40-50 ऑडियो वीडियो फोटो बहुत सारे प्रूफ हैं। मैं परेशान इतनी ज्यादा हूं कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है अब, कि मैं जाऊं कहां। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सीएम सर से कि सर प्लीज इस केस पे देखिए, पर्सनली देखिए, ये क्यों ऐसा किया जा रहा है, मैंने क्या गलती कर दी है, क्या किसका बिगाड़ दिया है, क्यों पुलिस ऐसे मेरे पीछे पड़ी है, क्यों मुझे पुलिस के द्वारा तंग किया जा रहा है, क्यों अपनी ड्यूटी पुलिस नहीं निभा रही है और उल्टा गुंडों का साथ दे रही है, मेरी फैक्ट्री पे कब्जा करवा रही है, कोर्ट का स्टे ऑर्डर नहीं माना जा रहा है, मारपीट लूटपाट चोरी इतनी सारी चीजें हुई और पुलिस ने 4 महीने में अभी तक एफआईआर नहीं लिखी है। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी प्रॉब्लम को खत्म कराइए, और अगर ये चीज शायद अगर यहां पे यही चलना है तो मैं ग्रेटर नोएडा नोएडा को छोड़ के कहीं और जाना पसंद करूंगी, क्योंकि इस इनसिक्योरिटी में जीना मेरे लिए लगभग नामुमकिन है। मैं बहुत अनसिक्योर फील कर रही हूँ, ये जगह मेरे लिए नहीं है। हमारी तमाम माहिती थी, अपडेट रहो S9 News साथे।